तो अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास कलेक्शन है मॉलिक्यूल की दैट आर फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऑफ कंपाउंड्स ठीक है कोई एरोमेटिक है कोई एलिफेटिक है कहीं पर डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे इनकी पी के वैल्यूज़ ठीक है मैं मैंशन करूँगा एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड के जो उनकी पी के वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग जो बेसिसिटी का ट्रेंड आता है क्या वो हमारे लॉजिकल जो रीजनिंग है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है ठीक है देखिए पहला स्ट्रक्चर अगर हम देखें अब इसमें दो नाइट्रोजन हमारे पास है तो ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर अवेलेबल है या फिर डीलोकलाइज है डेफिनेटली इट इज अवेलेबल क्योंकि एरोमेटिक करेक्टर जनरेट करने के लिए जो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए वो ऑलरेडी अवेलेबल है राइट right? और ये नाइट्रोजन जो है इसका लोन पेर नाउ दिस इज डीलोकलाइज तो ये डिलोकलाइज होगा तो इतना तो हम बोल सकते हैं कि दोनों नाइट्रोजन में ये जो नीचे रिंग वाला नाइट्रोजन दैट अपीयर्स टू बी मोर बेसिक और इस कंपाउंड का जो पीके वैल्यू है ठीक है पीके का एक्चुअल मतलब ये uh, है कि एक्चुअली उसके कॉन्जुगेट एसिड का पीके है डायरेक्टली इसका तो हम नहीं ले रहे हैं. तो जो पीके ए उसको आप एच वैल्यू बहुत से पीके एच दैट इज नाइन पॉइंट टू तो जितनी ज्यादा ये पी के वैल्यू होगी उतना ये बेसिक होगा ठीक है सेकेंड यहां पे विड्राइंग ग्रुप की प्रेजेंस क्या करती है विड्राइंग ग्रुप की प्रेजेंस बेसिसिटी कम करती है इसकी पी के वैल्यू माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव है बहुत कम बेसिसिटी है क्योंकि पहले तो ये नाइट्रोजन डीलोकलाइज है ऊपर से ऑर्थो पोजिशन पे वी है स्ट्रॉन्ग माइनस एम एंड माइनस आई ग्रुप अब यहां पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अवेलेबल है ठीक है एसपी तो थ्री विल भी एक्ट माइनस आई ग्रुप तो ये माइनस आई ग्रुप की तरह काम करेगा तो बेसिसिटी को थोड़ी सी कम करेगा तो इसकी जो पी के एच वैल्यू है दैट इज 8.36 ठीक है अब इन वैल्यूज को बताने का परपज ये है कि जब आप रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये बोलना कि ये ज़्यादा होगा ये कम होगा दैट इज़ वन वे आप क्वालिटेटिवली डिफाइन कर रहे हो कि कौन सी किस कंपाउंड की बेसिसिटी ज़्यादा है किसकी कम है बट जब आप उसकी पी के वैल्यू देखते हो तो आपको रियलिटी में ये समझ आता है कि ज़्यादा कम का एक्चुअल डिफरेंस वहाँ पे कितना है कौन कितना ज़्यादा है या कितना, कितना कम आ रहा है ठीक है तो इसलिए मैं आपको पी के वैल्यू एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब इसमें एनिलिन में जो पी के वैल्यू दैट इज़ फोर क्योंकि जस्ट डिलोकलाइज हा तो देखो सिर्फ नाइट्रो ग्रुप लगाने से पी के वैल्यू कितनी कम होगी मतलब बेसिसिटी कितनी रिड्यूस होगी देन साइनाइड की बात करें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एक तो नाइट्रोजन एसपी हाइब्रिडाइज है ठीक है एसपी हाइब्रिडाइज होने की वजह से बहुत क्या होगा उसकी बेसिसिटी कम होगी और साथ में जो बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग के साथ थोड़ा बहुत जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है इट विल बी डीलोकलाइज ठीक है तो बेंजीन से वो विड्रॉ करेगा तो ओवरऑल इसकी पी के वैल्यू बेसिसिटी बहुत कम है दैट इज माइनस टेन देन दो फिनाइल ग्रुप लगे हैं तो दोनों बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन का लोन पे डीलोकलाइज हो रहा है ठीक है तो इसकी पी के वैल्यू दैट इज जीरो पॉइंट सेवन एट बेसिसिटी कम है यहां पर नाइट्रोजन आराम से तीनों जो ग्रुप्स हैं दे आर प्लस आई ग्रुप्स तो प्लस है ग्रुप अच्छा सा इसको डोनेट करेंगे इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है एस पी थ्री हाइब्रेडाइज है तो अच्छा बेसिक है दैट इज टेन पॉइंट एट तो सब में अब तक सबसे स्ट्रांग बेस यही है सेकेंड यहाँ पे दो नाइट्रोजन है अब एक का लोन पेयर तो डिलोकलाइज है और उसको एरोमेटिसिटी प्रोवाइड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है पर दूसरे का लोन पेयर तो टोटली अवेलेबल है तो उसकी वजह से दिस नाइट्रोजन इज मोर बेसिक तो ओवरऑल जो यहाँ पे पी के वैल्यू है दैट इज़ सिक्स पॉइंट नाइन ठीक है तो जस्ट इसके बारे में बहुत टेंशन नहीं लेनी है जस्ट टू तो गिव यू एन आइडिया कि किस तरह से ग्रुप कैसे कैसे लगाने पे पी के वैल्यू कैसे चेंज होती है नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर अरेंज दिस कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी इन बोथ एक्वस एंड गैसेस फेज ठीक है तो एक्वस फेज का बेसिसिटी ऑर्डर आई थिंक हमने अब तक नहीं किया हुआ तो आप गैसेस फेज की बात करो ठीक है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करो देन लेट्स सी कि उस फेज में क्या होता है देखिए गैसेस फेज में सिंपल जो इफेक्ट काम करने वाला है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट तो इंडक्टिव इफेक्ट जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी तो बेसिसिटी जब आप गैस फेज में ले रहे हो तो इट इज सिंपली थ्री डिग्री अमीन ज्यादा बेसिक है और उससे कम बेसिक होगा टू डिग्री अमीन और उससे भी कम होगा वन डिग्री अमीन और लास्ट में आ जाएगा एनएच तो ये हो तो आपका गैसेस ऑर्डर अब जब एक्वस की बात करते हैं तो एक्वस फेज में दो अलग अलग फैक्टर आ जाते हैं पहली बात जैसे कि आप एनएच की बात करो तो एनएच को पानी में डालते ही क्या होगा ये बनाएगा एनएच पॉजिटिव और ये जो NH4 पॉजिटिव बनेगा मतलब इफेक्टिवली ये NH4OH बनाएगा पर उसमें से मेन चीज है ये NH4 पॉजिटिव अब ये जो चार हाइड्रोजन है दे विल बी इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है तो ये आपका बेस था ये इसका होगा कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा बेस उतना स्ट्रांग होगा और कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज कौन कर रहा है एच बॉन्डिंग सॉल्वेंट के साथ ठीक है आसपास जो वॉटर मॉलिक्यूल उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो इट स्टेबिलाईज बाय एच बॉन्डिंग ठीक है अच्छी खासी स्टेबिली स्टेबिलिटी मिल रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्योंकि चारों जो हाइड्रोजन लगे दे आर इन्वॉल्व इन एच बॉन्डिंग अब जैसे आप एनएच में एक आर ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हो ठीक है सी एच थ्री एनएच टू अब जब इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा दैट विल बी सी एच थ्री एनएच थ्री पॉजिटिव तो अब इसमें कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें सिर्फ तीन साइड हो सकती है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो मतलब एक साइड आप आर ग्रुप अटैच कर रहे हो जो कि इंडक्टिव इफेक्ट से बेसिसिटी बढ़ाएगा बट जो कॉन्जुकेट एसिड है उसका उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही क्योंकि वहां पर पहले जहां पर चार हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे वो तीन हो रहे हैं तो एक साइड से हम बेसिसिटी बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं बट उसके बाद दूसरी तरफ से बेसिसिटी कम हो जा रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सपोर्ट नहीं कर रहा तो एक चीज तो मैं आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंडक्टिव इफेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं जितना इंडक्टिव इफेक्ट बेसिसिटी बढ़ाने की ट्राई करेंगे उतनी एसिड की स्टेबलाइजेशन कम हो जाएगी ठीक है जैसे कि अब यहां पे मैं आ, दूसरे एच को भी रिप्लेस कर दूं अगर सी एच थ्री से ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा ये सी एच थ्री तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कम होगी तो बेसिसिटी एक तरीके से बढ़ रही दूसरा कम हो रहा है तो ओवरऑल वी कैन से बोथ इफेक्ट्स आर वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर तो नेट जो बेसिसिटी है इट इज द रिजल्टेंट ऑफ हाइड्रेशन इफेक्ट दैट इज जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे हो रही है तो हाइड्रेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का रिजल्टेंट है तो यू कैन से बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम इज रिजल्टेंट ऑफ इज अ रिजल्टेंट ऑफ सॉल्वेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ठीक है और ये जो सॉल्वेशन है ये आप ऐसा नहीं बोलते कि सभी के लिए बराबर होगी क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप आप अटैच करोगे आप मिथाइल लगाते हो इथाइल लगाते हो और बल्कि ग्रुप लगाते हो तो साइज वेरी करेगा तो सॉल्वेशन भी वेरी करेगी इसलिए केस टू केस बेसिसिटी का जो ट्रेंड है ऑर्डर दैट विल चेंज तो हम इसमें ये बोलते हैं फॉर uh, मिथाइल वाले केस मिथाइल अमीन के केस में बोलते हो बेसीटी यहाँ पे टू वन थ्री दैट इज सी एस थ्री टाइस एन एच उसके बाद आ जाता है सी एस थ्री एन एच टू टू डिग्री वन डिग्री देन सी एस थ्री थ्राइस एन ठीक है टू वन थ्री और उससे कम अमोनिया जबकि इथाइल के लिए टू थ्री वन ईटी टू एन एच then ई टी थ्री then देन ई टी एन एच टू देन सिंपल एन तो ये केस है एक्क्रोस मीडियम में ठीक है समझ आ गया बस आपको यही दो केस याद रखने. इसके अलावा कोई और इससे चीज़ आपको केस आ सकता है नहीं आ सकता बिकॉज वो एनसीआरटी में डिफाइंड नहीं है बिकॉज एनसीआरटी में ये दो केसेज डिफाइंड हैं क्लियर